नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और बात करेंगे इस वक्त सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दे पर। जी हाँ, इस वक्त अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, तालिबान। दोस्तों, अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत क्या है ये किसी से छिपा नहीं। तालिबान के आने के बाद तो जैसे महिलाएं जबरदस्त आतंक में जी रही। शरिया कानून के नाम पर कई ऐसे नियम कायदे बनाए जा रहे हैं जिससे कि महिलाओं का सांस तक लेना मुश्किल हो जाए। अब नया फरमान ये है कि अगर महिलाओं ने नेल पॉलिश लगाई तो उनकी उंगलियां काट ली जाएगी। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानों का महिलाओं पर आतंक शुरू हो गया। शरिया कानून के तहत महिलाओं के लिए नए नए नियम कायदे बनाए जा रहे हैं और इसी के तहत अगर अफगानी महिलाओं को नेल पॉलिश लगाए देखा जा रहा है तो सरेआम उनकी उंगलियां काट दी जा रही है। दोस्तों बता दें कि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया था कि अफगानिस्तान में महिलाओं को पूरा हक और सम्मान दिया जाएगा, लेकिन वहां से आ रही खबरों ने दावों की सच्चाइयों को सामने ला दिया। अब आपको बता दें कि फेसबुक पर अफगान की ही रहने वाली एक लड़की ने वहां पर लड़कियों से जुड़ा एक पोस्ट किया। इसमें लड़की ने यह बताया कि अफगानिस्तान में महिलाओं को और लड़कियों को जीन्स और टी शर्ट पहनने पर कोड़ों से मारा जाता है। और इसके साथ ही अब खबर ये भी आ रही है यहाँ नेल पेंट लगाने पर महिलाओं और लड़कियों की उंगलियां काट दी जाती है। राजधानी काबुल में खासकर तालिबानियों का लड़कियों पर कहना साफ तौर पर देखा जा सकता है। तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया था वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शरिया कानून के तहत आजादी दी जाएगी, उन्हें पढ़ाया जाएगा और कई हक दिए जाएंगे। लेकिन असलियत वैसी नहीं है दोस्तों। वहीं अफगानिस्तान में रहने वाली कई लड़कियों ने फेसबुक पर पोस्ट कर वहां की बुरी हालत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहनने की वजह से सड़क पर लड़कियों की सरेआम पिटाई की जा रही है। खबर के मुताबिक वहां अगर लड़कियों के रंगे नाखून तालिबानों को नजर आ जाए तो उनकी उंगलियां काट दी जाएंगी। कुछ समय पहले यहाँ एक पत्रकार को भी जमकर पीटा गया और उस पर आरोप है कि उसने अफगानी कपड़े नहीं पहने। हालांकि अभी तालिबान ने मर्दों के लिए ड्रेस कोड फाइनल नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास पेशकश। ऐसी ही और कुछ ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे।